हे hey भगवान मेरा नाम अभिषेक है और आज एक वीडियो देखते हैं जय साई दीपक जी की जय साई दीपक जिन लोगों को नहीं पता आई थिंक जो भी उन्हें देखते होंगे उन्हें पता होगा और अ, मेरी नज़र में भी इंडिया में आज के टाइम पे जो लोग कन्जरवेटिव सही वर्ड हुआ या राइट विंग में सही वर्ड यूज़ नहीं करना आ, मुझे नहीं लगता कंजरवेटिव एक बेटर वर्ड है कंजरवेटिव एक नेगेटिव वर्ड नहीं होता हमारे यहाँ एक जनरली अंडरस्टैंडिंग है कि कंजर्वेटिव एक नेगेटिव वर्ड है बट कंजर्वेटिव uh, एक नेगेटिव वर्ड नहीं होता कंजर्वेटिव का सिंपली मतलब ये होता है कि उन उन लोगों का विश्वास या उस uh, सोच या लाइन ऑफ थॉट जिसमें कि uh, आप ऐसे सोचते हो कि जिस तरह से चीज़ें चली आ रही हैं वो एक बेटर तरीका है क्योंकि वो एक मोर स्टेबल तरीका है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बस इतना होता है um, लिबरल और कंजर्वेटिव ये दो तरीके के थाट uh, प्रोसेस होते हैं जो लिबरल होते हैं वो चीज़ों को चेंज करने के पक्ष में थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं कि नहीं इन्हें चेंज कर देना चाहिए और जो कंजर्वेटिव होते हैं वो परंपरा जैसे वर्ड कहते हैं हिंदी में उसमें विश्वास आ हैं कि परंपरा को कायम रखना चाहिए क्योंकि उसकी एक इनहेरेंट वैल्यू है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने शो किया अपने है अपने आप को जो परम्परा है उन्होंने अपनी जो नीड है अपनी जो रोल है सोसाइटी में ह्यूमन एग्जिस्टेंस में उसे साबित किया है तो इसलिए उसकी वैल्यू और उसे वैसे ही चलाना चाहिए ये एक कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस होता है लिबरल थाट पॉज ये होता है कि पुरानी सोच को चेंज करते करते हर चीज़ों को नया करते करते रहना चाहिए दोनों का ही एक अपना फ़ायदा है कंजरवेटिज़म में एक तरीके की सेफ्टी और एक ऑर्डर होता है लिबरलिज़म में एक तरीके की क्योस होता है नेगेटिव लेकिन उसका पॉजिटिव ये होता है कि उसमें ग्रोथ भी छुपी होती है आ, तो ये सोचने वाली चीज़ है तो कंजर्वेटिव जो मेरा कहने का मतलब है एक अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड नहीं है तो इसलिए उसको आपको नेगेटिव में मत लेना तो इंडिया में जो कंजर्वेटिव लाइन ऑफ थॉट के लोग हैं उनमें से um, जो प्रमिनेंट uh, अगर आप टॉप के कुछ लोग उठाओ जो कि इंटलेक्ट प्रोमिनंट इंटेलेक्चुअल्स हैं उस साइड पे और जो एक यू नो लाइक चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं उनमें से एक मैं कंसिडर करूँगा जयसाई दीपक को uh, शबरीमाला का एक साउथ uh, में टेंपल है उसका एक इशू उठा था, था कि उसमें फ़ीमेल uh, डिब्यूटीज़ को भी जाने की आगे मिलनी चाहिए जहाँ से जिसके कि अगेंस्ट um, इन्होंने uh, केस लड़ा था और वहाँ से ये प्रमिनेंस में आए थे बेसिकली uh, जिनको नहीं पता तो यहाँ एक वीडियो है जिसमें ये बात कर रहे हैं um, कि जो जो इंडियन स्पेसिफिकली जो इंडिया में जो रिलीजन या यू you नो know, धर्म का जो कॉन्सेप्ट uh, है um, वो फंडामेंटली डिफरेंट कैसे वेस्ट uh, के कॉन्सेप्ट से मैं मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ही वेस्ट से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की करैक्टरिस्टिक्स को बताना है डिफरेंट है ये इस चीज कैरेक्टरिस्टिक वो आपको किसी के कंपैरिजन में बताना होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेस्टर्न रिलीजन से कंपेयर किया होगा uh, बट देखते हैं और फिर साथ-साथ बात करेंगे इस बारे में व्हाट मेक्स द इंडियन कांसेप्ट ऑफ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन और लेट्स एन अब्राहमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन वन पर्सन मेंशन पॉलीथीज्म द मोमेंट यू मेंशन पॉलीथीज्म देयर आर टू और थ्री कॉन्सिक्वेंसेस दैट फ्लो फ्रॉम पॉलीथीज्म वन कि क्या है जो, जो इंडियन कॉन्सेप्ट है और जो वेस्टर्न है उसमें एक एस्पेक्ट जो डिफर करता है वो है जो कि इंडिया में मोर प्रेवलेंट है मुकाबले जो इब्राहमिक फेथ्स हैं उनके वेस्ट में शायद आपको ऐसे भी छोटे छोटे ग्रुप्स दिख जाएंगे जैसे शामज़म वगैरह होता है नेचर वर्शिप होता है उनमें पोलिथिज़म का एस्पेक्ट होता है लेकिन जनरली uh, और इन और जो ऑर्थोडॉक्स ग्रीक रिलीजन है या नॉर्स रिलीजन है यूरोप के ऑर्थोडॉक्स uh, ग्रीक नहीं जो ओल्ड ग्रीक रिलीजन है और जो नॉर्स के जिनको की जी स्कैंडवियन कंट्रीज़ में जो रिलीजन है जिनमें थोर वगैरह का आपने सुना होगा जो आजकल सुपर हीरो मार्वल ने बना दिए वो बेसिकली उनके गॉड्स थे

सो mm. yeah. so, इनका यह कहना था कि क्योंकि पोलिथिजम एग्जिस्ट बेसिकली ट्रेन ऑफ लॉजिक ये है या चेन ऑफ लॉजिक ये क्योंकि बेसिकली पोलिथिज एग्जिस्ट करता है तो जो माइंड सेट है वो ही मल्टीपल चॉइस या डाइवर्सिटी ऑफ थाट के लिए एडजस्ट हुआ हुआ है इसलिए um, हम इनहेरेंटली बींग फ्राम इंडियन uh, बैकग्राउंड हम इनहेरेंटली हमारा माइंड इनहेरेंटली डिज़ाइंड है या प्री सेट है एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओपिनियन या टाइप की चीज़ों को के साथ को एग्जिस्ट करने में और उसका फिर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं वो इंडिया के डिफरेंट जगहों से आए हैं और उनके कल्चर्स डिफरेंट हैं तो क्या आप अनकम्फर्टेबल हो एक दूसरे के साथ तो लोगों ने ऑफकोर्स कहा नहीं क्योंकि <laughs> <laughs> कौन वहाँ पे उठ के गया हाँ मैं बहुत मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है <laughs> क्योंकि साइड में इस स्टेट के लोग बैठे हुए हैं um, तो इस पर इनका था कि यस वी हैव एन इनहेरेंट प्री सेट माइंड यू नो लाइक थॉट प्रोसेस क्योंकि हमारा जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वो ही इस तरीके से सेटअप है कि भाई चार बंदे अगर एक फैमिली में रहते हैं तो वो चार डिफरेंट डेटीज़ को चुन सकते हैं उपासना करने के लिए या गॉड को उन चार डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं आ, और इस और उसमें से चारों में से किसी को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए हम ऑटोमेटिकली ही जो हमारा कल्चर है जो हमारा माइंड सेट है जो हमारा थाट प्रोसेस है वो इस तरीके से डिजाइंड है इस तरीके से सेट हो तो रखा है यू नो लाइक फ्रॉम एंशेंट टाइम्स की uh, हम जस्ट डिफरेंसेस के साथ एक दूसरे के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल uh, है और uh, इसलिए हमें किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा प्रीच करने की ज़रूरत नहीं है डाइवर्सिटी क्या होती है uh, और यू नो लाइक कैसे रहते हैं इंक्लूजन कैसे करते हैं हम ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो है हमारा जो कल्चर है वो इस चीज़ के साथ ही uh, हमें बड़ा करता है बेसिकली ये इनका कहना था तो यही है आज um, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है रिसेंटली कि ना मैं कभी शायद मैंने कभी किसी पुरानी वीडियो में कहा वो सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए लेकिन मैं नहीं कहता जो कि एक बुरी चीज़ है मुझे कहना चाहिए और मैं आज अब से ये प्रैक्टिस <laughs> मुझे अभी भी अजीब लग रहा है कहने में लेकिन मैं अब से ये प्रैक्टिस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपको कॉन्टेंट जो मैं बनाता हूँ उससे लगता है कि कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है कॉन्वर्सेशन में तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दिया करो मैं कहने में अभी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हूँ लेकिन शायद वक्त के साथ साथ मैं इसे एवरी टाइम रिपीट करने की कोशिश करूंगा और बेटर बैट, बनूंगा इसमें